करते हो, जो व्यवहार करते हो उससे तुम्हारे जीवन की परख होती है, तब पता चलता है कि तुम खरे हो या खोटे हो। ये राजस्थान ने सारी दुनिया को सिखाया है। जैसे कहता हूं, हिंदुस्तान में एक एक बढ़कर अरबपति खरबपति सेठ हुए, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर मुगल बादशाहों तक तो कर्जे दिए थे। ऐसे किसी एक सेठ का नाम बताओ दोस्तों, एक सेठ का ऐसे का नाम बताओ जिसका पता हो। ये इतना अमीर था, इतना ऐश्वर्यशाली दुर्गपति हवेलियों का स्वामी था, ऐसे किसी सेठ का नाम हम नहीं जानते। अगर जानते हैं उस छोटे से साधारण भामाशाह का नाम जानते हैं, जो संकट के समय राणा प्रताप को अपना पैसा देने के लिए आगे आया था। तो लोग भामाशाह का मंदिर बनाते हैं, अमीरों के, करोड़पतियों के, खरबपतियों के मंदिर नहीं बनाते। खूब अच्छा जीवन में करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जानवर में और मनुष्य में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है? जानवर भी खाता है, कमाता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, उसका भी अपने समाज में कहीं ना कहीं स्थान होता है। उसमें और मनुष्य में केवल एक फर्क होता है कि मनुष्य में विवेक होता है, वह सही और गलत में फर्क महसूस कर सकता है, उसमें पुरुषार्थ होता है, वो नियति के खिलाफ लड़ सकता है, भाग्य को बदलने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से वह ईश्वर को भी मजबूर कर सकता है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा, तुम्हें किसी रास्ते को मेरी नियति बनाना होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा का। इस हिम्मत का नाम है जिम्मत। कुछ नहीं था उस व्यक्ति के पास, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस के सामने गए तो नरेंद्र ने कहा, तुम ईश्वर की बात करते हो, ईश्वर को दिखाओ। एक बात कहता था, मैं कभी भी किसी ने कही है, बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, और उसने कही है ये मैं मान लू, ये मैं कभी नहीं मानू। जिज्ञासा, अगर ये कहते हो तुम तो उसे सत्य सिद्ध करके दिखाओ। अगर तुम कहते हो ईश्वर है, अगर तुम कहते हो दुर्गा है, अगर तुम कहते हो काली की पूजा करो, काली के मंदिर में जाओ, क्यों जाओ, क्यों जाओ? दिखाओ कहां है काली, दिखाओ कहां है ईश्वर। और जब तक श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को साक्षात ईश्वर का दर्शन करा के अनुभूत नहीं कराई, तब तक नरेंद्र ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता, कभी यकीन नहीं। क्यों यकीन करूं? मैं अपना रास्ता खुद खोलूंगा, मैं अपने विश्वास को खुद सिद्ध करके दिखाऊंगा। वे कहते थे, क्या है ये? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो विवेकानंद को पढ़ते हैं, मंदिर और तीर्थ स्थान व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए होते हैं या कर्मकांड में अंधविश्वास को बढ़ाने वाले होते हैं? अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आप जीवन में सत्कार्य कर रहे हैं, अगर आपके माध्यम से, आपकी विद्या से, आपके धन से समाज का उत्कर्ष हो रहा है, नैतिक मूल्यों की स्थापना हो रही है, आप गलत तत्वों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए उसके सामने चट्टान की तरह से अभिन्न खड़े हैं और आप कभी मंदिर नहीं गए, तो आप संत के समान होंगे, देवता के समान होंगे, आवश्यक नहीं है क्या हर रोज मंदिर जाना, हर रोज मंदिर जाना और गलत काम करना, हर रोज धार्मिक ग्रंथों का पारायण करना और समाज में व्याप्त तमाम प्रकार के कदाचरण और भ्रष्टाचार के सामने सर झुका के यजमान से दक्षिणा ले लेना, यह कोई जीवन को सार्थक करने वाली बात नहीं हो सकती। ये विवेकानंद उन्होंने सिखाया कि वह जीवन जीवन नहीं है जिसमें अग्नि का स्फुलिंग ना हो, जिसमें विद्रोह की चिंगारी ना हो, जो यह पत्थर उठा दिए कह न सके कि मैं तुम्हारी बात का विरोध करता हूं, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, तब विवेकानंद। शिकागो वक्तता में केवल एक शब्द ने वातावरण में बिजली खोल दी थी और वह शब्द था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। क्या था इस शब्द? कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यही थी कि वह पश्चिम की भोगवादी सभ्यता, जहां पे हिंदुओं को निरंतर विदेशी ईसाई पादरियों द्वारा बदनाम किया जा रहा था,
और कहा जाता था कि हिंदू माताएं अपने नवजात शिशुओं को जन्मते ही मगरमच्छ को खिला देती हैं, वहां पर विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता है। इस प्रकार के भीषण गलत बातें ये ईसाई मिशनरी अमेरिका में इंग्लैंड में कह के उनके डॉलर बटोर के यहाँ के धर्मांतरण के लिए लाते थे, उस भोगवादी सभ्यता में जहाँ हर स्त्री उनको भोग्या लगती थी, वहां जाकर विवेकानंद ने कहा अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, तो लोग चमत्कृत हो गए, अरे ये तो हमें भाई कह रहा है, ये हमें बहन कह रहा है, ये तो कुछ अद्भुत व्यक्ति है। और तब उन्होंने कहा आप सब अमृत के पुत्र हो, I refuse to believe that you are the children of sin, you are the product of sin. No. All of you are the children of the bliss, the divine bliss that the God has given. चमत्कार एक इलेक्ट्रीफाई हो गए लोग, वो भारत के हिंदुत्व का साथ, उनके हृदय में तनिक मात्र इस बात का संदेह नहीं था कि मैं जिस समाज के भीतर जाकर अपनी बात करने के लिए जा रहा हूं वह उनकी भाषा में इसलिए कहूंगा क्योंकि उनसे संवाद करना है, लेकिन मैं अपनी वेशभूषा में जाऊंगा। उनको यह नहीं लगता था कि मैं अमेरिका के बड़े शिकागो शहर के वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन में जा रहा हूं तो मैं भी टाई पहन के थ्री पीस सूट पहन के जाऊं तो शायद मेरी मान्यता अधिक होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदू सन्यासी के रूप में जाऊंगा और जो सन्यासी की वेशभूषा भारतवर्ष ने निर्धारित की है उसी वेशभूषा में जाऊंगा। उसी वेशभूषा में विवेकानंद ने उस समय अमेरिका को मंत्रमुग्ध कर अपने वशीभूत कर लिया था अपनी बातों से, और उनके सामने वे तमाम ईसाई लोग नतमस्तक हो गए। तो उन्होंने कहा यू आर नॉट क्रिश्चियन, गो बैक टू क्राइस्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द जीसस क्राइस्ट टीचिंग, तुम उनके प्रति तनिक भी ज्ञान नहीं रखते हो क्योंकि तुम धूर्तता से छल कपट से वहां जाकर गरीबों का धर्मांतरण करते हो जो ईसा मसीह की शिक्षाओं के विपरीत है। सो गो बैक टू द क्राइस्ट बिकॉज यू आर नॉट क्रिश्चियन, ये कहने की हिम्मत अमेरिका में उस समय में जिस सन्यासी के हृदय में थी धधकती हुई आग का गोला। इसीलिए वहां शिकागो में जब पोस्टर छपे तो पोस्टर पे उनका केवल एक परिचय छपा था, द साइक्लोनिक हिंदू माउंट ऑफ इंडिया, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू। व्हाई शुड एनीबॉडी बी अशेम्ड और एपोलोजेटिक अबाउट हिज कल्चर और सिविलाइजेशन, क्यों होना चाहिए।